सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपके राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 11 मई सोमवार आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान बजरंग बली की कृपा से आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे आपके खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कौन कौन सी कष्टों को लेकर आने वाली है, जिससे आपको सावधान रहना है। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी चीजों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज 11 मई 2021 दिन सोमवार का है और महीना जो है वो वैशाख का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या नामक तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 12:29 तक चलेगा और इसके उपरांत शुक्ल पक्ष की और इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो भरणी नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह रात्रि के 11:31 तक चलेगा और इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो सौभाग्य नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 10:42 तक चलेगा और इसके उपरांत शोभन नामक योग जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का जो समय है रहेगा ठीक सुबह के 5:51 पर और सूर्यास्त का समय शाम के 6:54 पर, और चंद्र उदय का जो समय है रहेगा ठीक सुबह के 5:29 पर और चंद्रास्त का जो समय है रहेगा ठीक सुबह के 6:41 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगा, अर्थात आज का शुभ समय यह सुबह के 11:57 से लेकर ठीक दोपहर 12:49 तक चलेगा। चलिए बात करते हैं आज का अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो यह ठीक शाम दोपहर 3:39 से लेकर ठीक शाम के 5:17 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। चाणक्य नीति ज्ञान, ये रहा आज आपके लिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान को बुनियाद हिला देती है। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमजोर पर ही निकलता है। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, किंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि सोच ठहर गई जिंदगी बिना सोच के गुजर जाएगी। चलिए जानते हैं अब आपके डेली राशिफल। आज परिवार वालों के साथ खुशी के पल बीतेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे इस राशि के ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंटों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों और शिक्षकों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो लोग मार्केटिंग के काम के लिए जुड़े हुए हैं उन्हें तरक्की के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे किसी बड़े बुजुर्ग की मदद करने से आप मन में राहत महसूस करेंगे। यह समय कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में आप सक्षम होंगे, आपको बता दें। साथ ही किसी काम के लिए आज जीवन साथी को अपनी बातों से प्रभावित करेंगे, आपको बता देंगे।
करियर में नए आयाम स्थापित होंगे। आपको ध्यान रखना है और हनुमान जी को सच्चे मन से प्रणाम करें। जीवन के सभी क्षेत्र में कार्य सफल होंगे। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए, लड़ाई झगड़े के योग बनते हैं, आपको बता दें, और इसमें आप काफी कुछ प्रेमी को कह सकते हैं। आपको ध्यान रखना है आप दोनों के बीच में क्या घट रहा है, ये प्रेमी समझ ही नहीं पाएंगे। आपको ध्यान रखना है आपके इस खराब प्रतिक्रिया का वह क्या जवाब दें, वह भी समझ नहीं पाएंगे, दिन प्रतिकूल ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके करियर और बिजनेस की बात करते हैं। कार्यस्थल में आपके अधिकारी या मालिक आपकी योग्यता को पहचानेंगे और आपको प्रशंसा के साथ साथ पुरस्कार भी प्राप्त होगा। आपको बता दें, आज आपके द्वारा उठाया हुआ हर कदम आपके लाभ की शुरुआत साबित होगा। अभी किसी भी तरह के कानूनी मामले या दुर्घटनाओं को लेकर सतर्क रहें। आप अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाने के बारे में सोच सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, अधिक बात करने व बहस से बचें और सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करें, अन्यथा आज आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है।